हेलो एवरीवन, मेरा नाम शहर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा विशाल। आप सबको बहुत ज्यादा वेलकम है हमारे चैनल पर। एक बार फिर से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर ज्यादा प्लीज कर देना। आज की वीडियो लेकर मेहरबानी आपकी बहुत बहुत। हाँ, मेरी अम्मी काले जोड़े में कैसी लग रही? काला जोड़ा पाया ताड़ी हां जी भैया, आपकी फरमाइश पे अम्मी ने पहन लिया है काला जोड़ा। सोने सोने लगे अम्मी। दिवाली तो दिवाली मुबारक। हाँ भैया, इस दिवाली की वीडियो लेकर आए। इंडियन पर्शियन कपल है वो भैया। हम भी दिवाली मना रहे हैं। हाँ, तो ऐसा करते हैं भाई, वीडियो को देख लेते हैं। इंडियन और पर्शियन कपल जो है ना, पर्शियन जो उनकी वाइफ है इंडियन लड़के की, वो फर्स्ट टाइम इंडिया में ना दिवाली को सेलिब्रेट कर रही है। तो हम देखते हैं वो किस तरह से करते हैं, उनको कैसा लगता है, उनका एक्सपीरियंस कैसा रहता है। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंट तक देखे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखते हैं आज वीडियो। ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रख कहते जहां से देखो फिर बसा। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है। हाय डूड, नमस्ते, मेरा नाम फाइजर है। और सभी को शुभ दीपावली। दीपावली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। Happy Diwali, Happy Deepavali. Wish you the best moments with your family members and friends. Enjoy yourself. And enjoy, बहुत ज़्यादा मज़े करो, पूजा करो, पाठ करो, भगवान गणेश की पूजा करो, माता लक्ष्मी की पूजा करो, माता सरस्वती की पूजा करो, महादेव की पूजा करो, श्री राम भगवान की पूजा करो, और उसके बाद फिर जाकर आप आतिशबाजी करो, यानी कि पटाखेबाजी करो, पटाखे फोड़ो, पटाखे करो, अच्छे से खाओ पियो, मजे करो। यार आज का दिन आप सबके लिए, हम सबके लिए मजे करने वाला दिन है। तो सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को, पूरे यूनिवर्स को, मल्टीवर्स को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं दीपावली की। तो दोस्तों, आज दिवाली आप जानते हैं, तो अभी जैसे कि मैंने आपको बताया पूजा करें, तो सबसे पहले क्या चीज़ होती है? पूजा। उसके बाद दूसरी दूसरी चीज़ें होती हैं, पटाखे फोड़ते हैं, फिर खाना खाते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। फर्स्ट वी हैव टू डू वर्शिपिंग, एंड आफ्टर वी वर्शिप देन वी गो टू टेम्पल, and after we go to temple then we fire the crackers, as you all are listening the cracker sounds. This people is present, they went to the temple. Yeah, really? Yeah. And after that we burst the crackers, and after that we get our house, we eat good food, tasty food, laziz khana. Enjoy yourselves and let others enjoy, man. Don't please for God's sake, please for all your God's sake, okay, और हाँ, बहुत जरूरी है भाई, पटाखे फोड़ लो, फोड़ो जितनी मर्जी है फोड़ो, लेकिन वो जो कूड़ा होगा ना, जो आपके पटाखेबाजी की वजह से जो एक ट्रैश हो जाएगा, एक कूड़ा हर तरफ हो जाएगा, तो उसको साफ करने की जिम्मेदारी भी आपकी है। क्योंकि जब श्री राम अयोध्या आए हैं, तो अयोध्या यानी कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा पूरा हिंदुस्तान एक अयोध्या ही है, उन्हीं का घर है, और उसको साफ रखने की जिम्मेदारी हर एक सनातनी की है, हर एक सच्चे हिंदुस्तानी की है जो हिंदुस्तान से प्यार करता है। तो ज़रूरत है, आप सबको ध्यान ज़रूर रखिएगा, जो आप पटाखे फोड़ें उसके बाद उसको साफ कर दीजिएगा। अभी फ़िलहाल हम दोनों जा रहे हैं पूजा करने के लिए, क्योंकि हमारे घर वाले बुला रहे हैं पूजा करने के लिए, बस हम दोनों ही बचे हैं, क्योंकि तैयार होने में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। तो बस जाते हैं और पूजा करते हैं, उसके बाद चलते हैं मंदिर यानी कि टेम्पल। तो चलते हैं, पूजा करते हैं और देखते हैं, तो देखते हैं।
गए हैं हम मंदिर। तो दोस्तों इस प्रकार हमने घर पे पूजा करने के बाद हम अपने पास वाले मंदिर में आ गए, जहाँ पर आज फाइजा ने अपनी पहली दीपावली पर मंदिर में दीपक हर देवी देवता के समक्ष रखे और सबसे आशीर्वाद ग्रहण करा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि फाइजा हर एक देवी देवता के समक्ष जा रही है और हम दोनों ही आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। और ये दिवाली फाइजा के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, ये दिवाली फाइजा की पहली दिवाली है। तो इस दिवाली पर मैं खुद चाहता था कि जितने हमारे देवी देवताएं हैं, जितनी हमारी शक्तियां हैं, वो सब फाइजा को आशीर्वाद दें और उसका स्वागत करें दिवाली पे। तो भाई सब कुछ होने के बाद, पूजा होने के बाद और खाना वगैरह खाने के बाद मैं और फाइजा एक ऐसी जगह पर आ गए हैं थोड़ी पटाखे वटाखे जलाने, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर दृश्य है यहाँ से। हाउ इज इट लुकिंग? हाउ इज इट देयर? इट इज सो एक्साइटिंग एंड सो ब्यूटीफुल, जस्ट लाइक दिस। तो भाई यहाँ पर हम शहर के बिल्कुल जो है ऐसी जगह पर खड़े हैं जहाँ से आधा शहर दिखाई देता है और यहाँ से just like this, the vibes. यहाँ से बहुत सारे मतलब पटाखे, और इधर देखो इधर से आधा शहर दिखाई देता है, उधर से आधा शहर दिखाई देता है, और ये बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया जगह है। तो हम देख देख Another one, use another one. Come here. Come here. No. Come here. Where? Sammy, first know what is it and after that maybe it is dangerous. बढ़िया। तो भाई ये है चक्री और मैं इसे नीचे रखूंगा, लेकिन ये पेंसिल से लेंगे क्योंकि जल नहीं रही है भाई। इस समय अगर सामान लोगे तो ऐसे ही होगा। Let's see. Oh my God. अच्छा, oh that was the Sammy. No. Come on man, no. Yeah. Actually,
दी। अब भाई यहाँ पे जो होना था वो हो चुका है, यहाँ पे जो हमें पटाखे फोड़ने थे वो फोड़ लिए हैं, लेकिन ये जो पटाखे हमने फोड़े हैं ना, और जिसकी वजह से यहाँ कूड़ा हो गया, ट्रैश हो गया, अभी मैं सारे कलेक्ट करूंगा। Yeah, we have to collect them. अभी ये सारे कलेक्ट करूंगा और आपसे भी कहूंगा, आपसे भी कहूंगा भाई ये जो ट्रैश हम करते हैं इसको हमें खुद कलेक्ट करके और फिर जाना चाहिए। तो भाई अभी हमने जो ये कूड़ा करा है इसको इसको हम कलेक्ट करते हैं, लेट्स कलेक्ट इट, ओके? For the nature, for ourselves and for the India. Okay. Okay. Yeah. I was talking in a very eager way. Now I can feel it. And is there something else? Okay. Let's go. Okay, let's put them in the trunk. So, हम इसे ट्रंक में रख लेते हैं और हम इसको फेंक देंगे ट्रैश में। Wait, you said that we in Hindi means? हम। हम। फिलहाल हम 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 होम घर 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 फिलहाल हम घर जा रही है ये थी आज की वीडियो। तो यार बहुत अच्छा लगा इनका व्लॉग, है ना, इनका व्लॉग मुझे इस बात में सबसे अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने अपना जो गंद है ना वो सारा का सारा उठाया और साफ किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि जो दूसरे है ना वो उठाए हमारा गंद, या फिर नौकर थोड़ी लगे हैं वो आपके, कितना को गंद। दिवाली के मौके पर जैसे ईद होती है या फिर यहाँ पे शबे बरात, लोग ऐसे ही गंद फैला फैलो के चले जाते हैं और फिर वो बाद में आपका ही नुकसान है इसमें। लेकिन यार इनका मैसेज कितना अच्छा था कि भाई जो है ना मैं सफाई सुथराई का ख्याल रखूं, साफ भी कर। हाँ, अब हम अपने घर में गंद डालते हैं, साफ करके ही उठते हैं ना, ये तो नहीं कि वो गंद के ऊपर ही बैठ जाते हैं। इसी तरह से ही हम जिस कंट्री में रहते हैं ना वो हमारा अपना घर ही होता है, उसको अगर हम घर समझना शुरू कर दें ना तो फिर कसम से कोई नुकसान नहीं होगा, फिर सफाई सुथराई आपको हर जगह मिलेगी। जैसे इंडिया का एक गांव है ना मगल्या, वहां पे कहते हैं कि बच्चों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि आपने कोई भी गंद होता है ना वो जमीन पे नहीं फेंकना, उन्होंने हमें जगह जगह डस्टबिन बनाई हुई है, लोगों ने खुद, गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लगाए, लोगों ने खुद अपना एक जहनीत बनाई हुई है ऐसी कि हमें गंद जो है ना वो बास्केट में ही डालना, हमने नहीं डालना वहां पे, कहते हैं ढूंढने से भी गंद नहीं मिलता, इतना साफ सुथरा वो एक विलेज है। तो इसी तरह से यार सब जगह सफाई होनी चाहिए। लेकिन फायजा को पहली बार दिवाली मनाकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और उसके अलावा वो बोल रही थी जैसे डिज्नीलैंड में होता है ना ऐसे पटाखे फोड़ते, सेम मैसेज को वाइब आ रही थी, तो मुझे खुद बहुत ज्यादा अच्छा लगा। शहर का पूरा नजारा देखने में और ही मजा है ना, एक घर में तो हम देखते ही देखते हैं, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ पे पूरे शहर का नजारा दिख रहा हो वो तो ऐसा लगता है यार रोशन ही रोशन है। बहुत अच्छा लगा कसम से। आपको वीडियो कैसी लगी बताना, फिर मिलता है कॉलिंग। थैंक यू।